गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो कॉमेडी नाइट से ढक्कन सेट, और मैं ढक्कन सेट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे शो पर। चलिए अब अपने शो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले गेस्ट हमारे वो हैं जिन्हें लॉफ्टर की दुनिया में लॉफिंग किंग के नाम से जाना जाते हैं। सो प्लीज वेलकम अवर लवली पाजी। सत्रीकाल बाजी, सत्रीकाल। चलिए बाजी विराजमान होइए अपने सिंहासन पर। अच्छा बाजी आपको एक बात बता दूं यार, आज तो मेरा दिन बन गया। पूछो कैसे? कैसे? आज मैं जब शो पर आ रहा था रास्ते में पूछो मुझे कौन मिल गया? कौन मिल गया? बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। आज उनके पास पैसे ही नहीं थे और मैंने दिया यार पैसे, मैंने, मेरा तो दिन ही बन गया। चलो मैं तो लकी पैदाशी हूँ। चलो बैठते हैं, अब देखते हैं कौन बंदा आता है शो पर। ये क्या हो रहा है बाजी? क्या हो रहा है बच्चों? बाजी, बाजी, बच्चों। नहीं फटा, पहले बम मेरे बाजू में आया, फिर मुझे देख के शर्माए। अच्छा जी। फिर लुढ़कते मेरे नजदीक आए, नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, बुरा ना मानो तो फट लू। और मैंने बोला जब आ ही गए हो तो फट लो। और बम ने मुझे देख के बोला भुचू। फिर बम मेरे यार मैं भी रो दूंगा, अभी रो दूंगा, तू रो मत। ऐसा है ना, ज्यादा रो मत। हमारे मशहूर डॉक्टर गुलाटी आए हुए हैं अपने केबिन में, जाइए अपना इलाज करिए, रोना मत। गजब गजब के लोग आ जाते हैं। ये कौन है? मैं भी बच्चा से हाथ मिलाऊंगा यार। अरे हाथ ना यार। तो मैं संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, ज्यादा चुकना मत, पहले ये बताओ तुम कोट कहाँ से लाए हो? गजब बात करते हैं यार, पहन कर नहीं आएंगे तो क्या उतार के आएंगे? सज धज कर आए हैं, हैंडसम आदमी हैं हम। ओ ज्यादा ना इतराओ, हैंडसम तुम्हारे जैसे होने लगे तो पूरे इंडिया में अकाल पड़ जाए हैंडसम की। ऐसा है, अब ये बताओ ताई कहाँ से लाए हो? अच्छा सही में बता दे। बता दो। वो ना मेरे गांव से ताऊ जी आए हुए। अच्छा। तो उन्होंने ताई को भी लाया है। तो ताई बोली मुझे एनुअल फंक्शन घूमना है, तो हमने बोला ठीक है चलो। लो ताई मिलो, पाची से मिलो। हेलो ताई। ऑडियंस से मिलो। मैं भी ताई से मिलूंगा यार। फिर दुआ देती मैं, तुम में संस्कार नाम की चीज है ही नहीं। अरे बोला ना नहीं है। देयर इज अ जोक, आप लोगों को पता है मैं वैसे वैसे जोक मारते रहता हूँ। फिलहाल में ही इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच टाई हो गया था, तो हमने उसी टाई को यहाँ ले आया। आओ का इस बात पे ठोको ताली। अच्छा अब हम जोक मारेंगे बहुत ही फनी वाला। अच्छा कबूतर के दो पैर। वाह 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 वाह। ताली कौन बजाएगा भाई? ताली। कबूतर के दो पैर। वाह वाह कौन बोलेगा? कबूतर के दो पैर। अबे आगे बोल। एक इधर एक उधर। इसीलिए मारा था। हाँ पाजी मैं सोच रहा हूँ ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँ। वहाँ चढ़ के क्या करेगा बे? दूसरी तरफ उतर जाऊंगा। आओगा ऐसा बच्चा, चल भाग यहाँ से। इधर का हंका भगावत है हंका। बताओ अभी। इधर का आप डरावत है यार, इससे बात करना भैंस के आगे बीन बजाना। उधर कहावत है। भाग जाओ ना, बता रहा हूँ अभी। देखिए इस शख्स हमें बहुत भगा रहा है, इसलिए अभी के लिए हम चलते हैं। लेकिन
याद कीजिएगा मुझे बहुत ही ज्यादा। कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा। याद कीजिएगा मुझे बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल नहीं याद करेगा। आएगा बच्चा ये वादा। आगो जल्दी अब चलिए, अब हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्रिय नेता जी को आने का समय हो चला है, तो चलिए उनके बारे में इंट्रो दे देता हूँ। वो ऐसे शख्स हैं ना, आज तक ना कभी स्कूल गए, ना कॉलेज की चौखट पार की, ना कभी टीचरों से मतलब, ना कभी ट्यूशन टीचर से मतलब, लेकिन इतने बड़े शख्स हैं जहाँ जाते हैं भूकंप लाते हैं। तो प्लीज वेलकम अवर रणछोड़ दास चान चान उर्फ अनपढ़ राजा। आइए नेताजी, वाह नेताजी, हमारे प्रिय नेताजी, वाह नेताजी, ये लड़ो मत यार। स्थान ग्रहण कीजिए नेताजी। कौजन पत्रकार है यार। नमस्कार, नमस्कार करने नहीं आता, देखो हम करके दिखा रहे हैं। दिखाइए, जाजी नहीं सीखना। दिखा दे, दिखा दीजिए। नहीं दिखा दे, दिखाना है तो दिखाइए। आज दिखाइए देते हैं। दिखा दीजिए। नहीं दिखाते, दिखाइए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जो अपने गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे गाड़ी में घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। बात करिए, भाइयों को भी नमस्कार, बहनों को भी नमस्कार। मैं रणछोड़ दास चांचड़ इस क्षेत्र का पहला उम्मीदवार उर्फ अनपढ़ राजा। ऐसा ना नेताजी, ज्यादा ना करिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अबे करो स्थान ग्रहण करने के लिए चारपाई कहाँ लगाइए बे? क्या नेताजी कर दी भाई गवारे वाली बात, यहाँ पे चारपाई और पे नहीं चलती, स्टैंडर्ड लोग चेयर चलती है चेयर। अबे इधर अबे चेयर का है बे? ये जे का है बे? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चार। जितनी छोटी चारपाई जितनी छोटी इसमें तुम्हारी पूंगी भी ना टेढ़ है नेताजी, बैठ के देखो। अच्छा अच्छा नेताजी एक बात बताइए, ये कौन इसे पहले बार देखा है? जे हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं होवे नेताजी, असिस्टेंट हो। अबे नेता मैं हूं। नहीं सर। चल बोल। नहीं सर। चल बोल। नहीं। और जे हमारे बॉडी गार्डर है, गार्डर। नेताजी गार्डर तो बड़े सस्ते में मिल जाता है, तो बॉडी गार्ड है। अबे नेता मैं हूं तू। नहीं सर। चल बोल। नहीं चल बोल। बड़ा डांस कर लिया। रिपोर्टिंग सर। अबे तुम लोग कहाँ चल गए थे बे? हमको बड़ा डर लगा, उसकी गोली वोली मार दिस तब चला पीछे लग जा। अच्छा नेताजी मैं आपका अब इंटरव्यू शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अबे इधर या बे, कार वार को स्टार्ट कर रहे हैं का की कर रहे हैं? इंटरव्यू स्टार्ट कर दे। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार नेताजी। साक्षात्कार, साक्षात्कार। हाँ भाई पूछो, उससे तो पहले मेरा बॉडी गार्ड देवा से। अच्छा इधर आ जा बे, उससे पहले मेरे बारे में इतना जान लो कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। डायलॉग मार रहा है। तू हमारे नेता जी का इंटरव्यू लिया था भैया, ऐसे आता है तेरे को? अरे यार वो तो सबको आता है, किसी का लड़का को आता है। ए फॉर एप्पल। तेरे को कुछ नहीं आता, चल मुझसे पूछ। ए फॉर अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बजा। बी फॉर बला, बला शैतान का साला। एम फॉर मुकाबला, मुकाबला। अच्छा आई फॉर, आई फॉर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा जी अबे बहुत घाटा करा, चल इधर आ। अच्छा नेताजी मैं आपका अब इंटरव्यू शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं करो? अच्छा एक बात बताइए, पिछले ही साल ये कुछ आग वाग लग गया था गांव में, तो आपने क्या किया था उसमें, कुछ बताइए भाई? उसमें हमने बहुत काम किए हैं, समझ जाना। बता दीजिए। बहुत काम, हमारी पब्लिक जानने के लिए बेताब है, बताइए। बहुत काम किए, बताओ यार। जितने मर गए सबको अस्पताल पहुंचा के आए हैं, और जितने घायल हुए हैं सबको शमशान घाट पहुंचा दिया। शमशान घाट। और जिंदा करने कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगा साइंटिस्ट। और
मरे हुए को 10 रुपए का मुआवजा और जितने घायल हुए सबको 50 रुपए का मुआवजा। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते भाई। गजब के नेता है यार, ठोको ताली नेता जी के लिए, ठोको। हमारे नेता जी इतने टैलेंटेड है कि बिना रिमोट के टीवी ऑन कर लेते। अरे बताओ बताओ, हम भी जानेंगे। इनके पास पुराना बटन वाला टीवी है। वाह कुछ नहीं नेता जी, बैठ हम तेरी। नेता जी बहुत टाइम हो गया, हमें जाना है अंधेर नंगी बेइज्जती कराने। अबे क्या बोला, बेइज्जती कराने? नहीं नहीं, मीटिंग कराने। अच्छा चलिए, आज्ञा दीजिए भाई। हमारे नेता जी जा रहे हैं तो मैं अपने प्रिय पाजी से बोलूंगा कि इनके लिए एक शेर मार दिया जाए। पाजी मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरे तरह नाम हो जाएगा, तुम्हारा भी मेरे तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर, तो तुम्हारे शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। वाह, नेताजी के लिए इस बात पे ठोको ताली। चलिए नेताजी चलते हैं। चलिए अभी तो ये नमूना था, हमारे पास दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जो आपको हंसा हंसा के पागल कर सकते हैं, समझ जाइए। रखिए मैं पेश करता हूँ, अभी पेश किया जाए। वे नौकरी चली गई। अरे रोकू रही है। अरे भाई वे नौकरी चली गई। अच्छा तेरी नौकरी चली गई। हाँ भाई वे और इनकी नौकरी। अच्छा ये बोला तेरी जो नौकरी गई साइकिल से गई कि मोटरसाइकिल से गई? अरे भाई तू भी क्या मजाक कर रहा है ऐसा। अच्छा वो सब छोड़, एक सही बात बताऊँ मैं। क्या? मेरी भी नौकरी गई। सेम। अच्छा मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तेरे लिए मेरे पास एक नौकरी है। अरे जल्दी बताओ। बिजली विभाग की नौकरी है, सुबह सुबह उठना है, 1 घंटा काम करना है। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 40,000, काम भी कुछ नहीं। जल्दी बताओ। बस सुबह सुबह उठना है, बिजली की तार है हाँ, उसको गीले कपड़े से पोछना है। अरे भाई तुम भी ना, ऐसे तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक नौकरी है। क्या बात कर रहा है? रेलवे की नाइट ड्यूटी है। अच्छा करना चाहोगे? क्यों नहीं करूंगा भाई। हाँ करूंगा। तनख्वाह 1,00,000। और ये बाप रे बाप, काम भी कुछ नहीं। अच्छा हाँ? करना क्या है जल्दी बताओ। इंजन की लाइट टूटी हुई है। उसके आगे तुमको लालटेन लेके भागना है। यार गजब के आदमी हो, मेरे को चिट्ठी रोबोट समझ लिया है तुम कि हम दौड़ लेंगे उतना तेज। हाँ तो क्या तुमने भी मुझको रबड़ मैन समझ लिया जो बिजली के तारों पे गीला कपड़ा मारो? अच्छा मान ले मैं दौड़ भी लूंगा, लालटेन तो हवा में उड़ेगा। हाँ तो बुझ जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और क्या। अच्छा ये भी बात सही है, चलो मुझसे पंगा ना लो। वो काहे? मैं बहुत बहादुर हूँ। अच्छा कैसे? मैंने एक बार गेंडे को लात मार दिया था, मैंने बंदर को चमाटा तक मार दिया और शेर की गर्दन तक तोड़ दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दुकान वाले ने दुकान से निकाल दिया। अरे भाई तुम कहा जाए कि चल दुकान से निकल, तेरा कुछ काम नहीं है दुकान में। वैसे तुझे पता है मैं तुझसे भी ज्यादा बहादुर हूँ। क्या बात कर रहा है? एक दफा मैं निकल पड़ा जंगल में, आज तक घर से बाहर तक नहीं निकला, जंगल के बाहर निकलेगा तू? अरे भाई तू वीरा। अच्छा बोल। एक दफा मैं निकल पड़ा जंगल में। क्या बात है। जंगल में मुझे दिख गया शेर। आज तक तेरे को चींटी तक नहीं दिखा, शेर दिखेगा तेरे को? अरे भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा तू बोल। शेर ने मुझे देखा। क्या बात है? मैंने शेर को देखा। क्या बकरा है? शेर ने मुझे देखा। ओह मैंने शेर को देखा। क्या बात है? शेर ने अपना पंजा ऊपर किया। क्या बात है। मैंने अपना हाथ ऊपर किया। अच्छा। शेर ने अपना पंजा ऊपर किया। क्या बात है। मैंने अपना, अच्छा फिर जैसे शेर ने छलांग लगाई, अरे बाप रे बाप, फिर क्या हुआ? मैंने टीवी बंद कर दिया। यार गजब कर रहे हो। अच्छा छोड़ो हटा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो। हाँ बोल के दिखाऊं? हाँ बोलो। पक्का? हाँ पक्का। सब सुनेंगे ना? अरे सब सुनेगा, तू बोलना चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। इंग्लिश? अरे यार ऐसे तो मेरे को सारी भाषा आती है। अच्छा हाँ बोल के दिखाना। बोलू? हाँ पक्का। सब सुनेंगे? हाँ सब सुनेंगे। पक्का सब सुनेंगे? हाँ बोलना। गौर से सुनना, मैं बहुत तेज बोलता हूँ। बोलू? हाँ बोलो। बोलू? बोलो।
सारी भाषा। अरे भाई तो मैं ना अच्छा तो मुझे इंग्लिश में खाली एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन। ओ क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन। अच्छा कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल को? हाँ टुमारो। वाह तेरे को आता इंग्लिश। अच्छा परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसों को? हाँ टुमारो को एक और मारो। अरे वाह तेरे को बहुत अच्छा इंग्लिश आता है। अच्छा भाई मैं सोच रहा हूँ ये सब फालतू बातें छोड़ के चलो कोई नौकरी ढूंढो। हाँ चलो नौकरी ढूंढते फालतू यहाँ काम करें। हाँ चलो ठीक है चलते हैं चलते हैं। चलो ढक्कन सेठ हम लोग चलते हैं अपनी बोट लेकर। ढक्कन सेठ अपना ढक्कन बहुत कस के टाइट करना अभी तुझे क्योंकि तेरा पानी छूट जाता है। चलो पाजी अपनी टोपी संभाल के रखना। ठीक है पाजी टोपी संभाल के रखना छूट जाएगा। ठीक है चलते हैं चलो दफा हो तुम। चलिए अब हमारे भी शो के समाप्त होने का समय हो चुका है तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए मेरा शो कॉमेडी नाइट्स विद ढक्कन सेठ। चल पाजी।